Assalamu alaikum and welcome to MZ Reactions. My name is Abedin Abbasi and here with me Abdul Moiz Abbasi and Haris Raja. Yes. Yes, guys. Today we are going to react on Team RRR playing game in the Kapil Sharma season 2. Best moments. Aur ye video hame recommend ki hai R. कोई आर नामी चैनल है, yes, उन्होंने हमें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेजा है। गाइस थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग अस। ये उन्होंने उस वक्त रिकमेंड किया जब हमने पोस्ट के पोस्टमार्टम पर रिएक्ट किया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो मेक श्योर आप पहले जाके वो वीडियो जरूर देख लें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू दिस फनी वीडियो। जी हां, हमारा फेवरेट शो द कपिल शर्मा शो, यस, सीजन 2। लेट्स प्ले। हंसने के लिए तैयार हो जाएं सारे। सर मैं आपको एक गेम खिलाता हूँ। ओके, क्या गेम? आलिया सबके कानों में हेडफोन लगाएंगे। okay. उनके अंदर कुछ मारी क्या किया उसने? और मैं कुछ लाइन बोलूंगा, आपको लिप रीड करना है। okay. फिर आपको राम सर को बताना है, राम सर बताएंगे अच्छा जब वो हेडफोन वाली सलमान खान चारों से जो समझना है। प्लीज ब्रिंग द हेडफोन्स। मुंह से जो लिप सिंग से समझना है। हां ठीक है, ऐसी कुछ है। हां उसकी शर्ट देखो, जैसे अखबार पे नहीं है वो। नाइट जो यार इसी से सीखा, अब क्या करें। ये बिल्कुल मार सकते हैं। गेम आपके ऊपर आ लिया। लेट्स सी द हेडफोन अच्छे हैं उनके ऊपर, वो अच्छे लगे। बटरफ्लाई लगी हुई है ना। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये समझ के थी भाई। ओके, जिंदगी झंडवा कैसे हंसती है फिर भी घमंडवा। ये तेरी तरह, बिल्कुल तेरी तरह। मैं नहीं नाचता। कैसे बात करूं? बोल के बताओ, बोल के। जिंदगी झंडवा जलवा। ओ समझ गए। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ओ अच्छा, जिंदगी जलवा, वो ठीक है। जलवा एक्साइटेड। वो गलत समझा है, पता है। जिंदगी जलवा आगे में क्या पहुंचेगा एंड में वो देखते हैं। ये पहले जिंदगी इनके मुंह में जुबान है। जिंदगी जलवा जल जलवा हलवा लगा जलवा जलवा जिंदगी जलवा फिर भी मे भी फिर भी आई ना फिर भी जिंदगी जलवा फिर भी बीबी जिंदगी जलवा फिर भी बेवड़ा फिर भी बेवड़ा वैसे ये जिसको आता है वो समझ सकता है। जिंदगी जलवा समझ जाए तो आगे समझ सकता है पूरा। जिंदगी जलवा फिर भी घमंडवा। जलवा तो नहीं है जिंदगी, जिंदगी घमंडवा पता नहीं क्या है, क्या है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपने क्या बोला? जिंदगी जलवा फिर भी घमंडवा। हाँ जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इसी ने चेंज किया बेवड़ा। अच्छा ओके, नहीं लेकिन व्हाट वाज योर ओरिजिनल थिंग सर? फिर भी घमंडवा। सही जाके क्या बन के पहुंचे आगे। जिंदगी जलवा फिर भी। चलो जी अब नो बागा विनर। ओके मछली हेडफोन्स कैसे पहने हुए? नहीं मेरी नानी शानी है। ओके मछली जल की रानी है। ओके बड़ी नाथ ने ओ ओ मछली जल की रानी है। आराम से मछली जल की रानी है बड़ी नाचारी है। ये गलत हो गया, शुरू से गलत हो गया। मछली जल की रानी है बिजली जल की रानी है जल की रानी है बिजली जल की रानी है मछली मछली जल की रानी है फिर भी नाचारी है। फिर भी बड़ी नाचारी है। नाचारी मछली जल की रानी है। रानी है फिर भी बड़ी नाचारी है। फिर भी कुछ तो बोल दो यार। कुछ भी बोल दो।
मतलब कुछ भी। हाँ कुछ भी। फिर नहीं महारानी है मछली बजरंगी, बजरंगी उसको बजरंगी। ओ भाई बचती मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। हाँ फिर भी महारानी है, फिर भी महारानी है, महारानी है। मछली जल की रानी है, फिर भी महारानी है। वाओ वाओ ओके। तो असली लाइन ये थी कि मछली जल की रानी है, मेरी नानी शानी है। फिर भी 50% सबने सही बोला। हाँ आधा सही था पहले वाला। एक और I like this game. One more. भैंस पूंछ उठाएगी तो सोबर ही रहेगी। क्या? भैंस पूंछ उठाएगी तो सोबर ही रहेगी। नहीं समझ आई। नहीं समझ आई। भैंस पूछ पूछ हिला रही है। नहीं वो आगे जा रही है। पूछ उठाएगी उठाए तो सोबर ही रहेगी, तो गोबर ही करेगी। जो आपका मन है। पूछ उठाए तंग हो गई, गोबर ही करेगी तो बड़े कमाए। गलत हो गया, खत्म हो गया। शुरू से ही गलत हो गया। उठाए सही हो गया, बड़े कमाए तो बड़े कमाए। बड़े बहुत बड़े उठाए कमाल की है। भैंस का पूंछ बड़े कमाल की है। ये क्या समझेगा, उसने पूछ नीचे कर ली। अब तंग हो गया कभी भी। अब गोबर ही करेगी। भैंस पूछ उठाए तो रुपए लाए। अब कुछ और ही आ गए। पूछ उठाया तो पैसे आया। ओ ये क्या कह रहे हैं, पूछ उठाया तो पैसे आया। ओ जो explain to him now. NTR का expression check करो। उठा। मैंने आलिया को ये बोला कि भैंस पूछ उठाएगी तो सोबर ही रहेगी, पहले ये समझी नहीं। फिर मैंने एग्जैक्ट जो लाइन होती है, भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। इन्होंने बोला भैंस पूछ उठाएगी तो रुपया आए। सही बात है यार। Guys, we enjoy this a lot. सर हम अपने शो में जो स्टार्स आते हैं तो उनके जो फैंस होते हैं, हम लोग उनको लाइव उनके साथ बात करने का मौका देते हैं। जैसे राजमौली सर ने मक्खी फिल्म बनाई, ऐसे ही हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको लगता है कि यार मेरी इस जानवर से मिलती है। जैसे मेरी मम्मी मुझे हमेशा बंदर बोलती है। ऐसा आप में से किसी को लगता है कि आपके अंदर कोई जानवर छुपा हुआ है? जी भाई साहब, कपिल की अम्मी हर शो में आती हैं, पता है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम पलाश है और मैं इंदौर से आया हूँ। पलाश, वेलकम पलाश। जैसा कि अभी सर ने पूछा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक जानवर है, गाय है। आपको लगता है आपके अंदर गाय है? हाँ सर। चारा खाने का मन होता है कभी कभी? क्या जरूरत है इसके सामने बोलने की, ये तो सुधार देनी है आपकी। वाओ दिस अ नाइस सेगमेंट, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग अस। आर आर Yes, and या भैंस पूंछ उठाए तो पैसा लाए, इधर टीम लगाएगी। भैंस पूंछ उठाए ओरिजिनल क्या था?
भैंस पूंछ उठाए तो गोबर ही करेगी ना, लेकिन उसने पूछा था कि भैंस पूंछ उठाए तो सोबर ही रहेगी। वो तो आलिया भट्ट ने आगे ट्रांसफर किया। हाँ, भैंस पूंछ उठाए तो पैसा लाए, पैसा लाए, एंड में कुछ और ही पहुंचा है। नहीं नहीं, भैंस पूंछ उठा तो पैसा आया, बस ठीक है, स्टार्ट हो गया। एंड दिस बहुत मजे का सेगमेंट था ये, एंड पोस्ट का पोस्टमार्टम भी बहुत मजे का होता है, लेकिन ये ज्यादा मजे का है। गेम गेम खेल सकते हैं, हेडफोन लगा के फुल सॉन्ग लगा के, यस, वो ताकि आवाज ना आए, और फिर वो यस। और ये उससे पहले क्या था यार, वो घमंड घमंडी पता नहीं, घमंडवा फिर भी करे, घमंडवा जिंदगी, घमंडवा फिर भी जंडवा, है ना, जिंदगी जंडवा फिर भी घमंडवा, जिंदगी जंडवा भी उसको पहले भी चेंज कर रहे थे। हाँ, जिंदगी जंडवा फिर भी घमंडवा, उसका क्या बन गया था, बहुत ही फनी वीडियो थी। यस, दिस इज क्वाइट एन फनी वीडियो गाइस, कपिल शर्मा फेवरेट शो हमारा, यानी कि यस हम इसको देखते हैं। सीजन टू इसका ज्यादा ही मजे का हो गया, क्योंकि इसमें सेगमेंट आ गए हैं, जैसे ये अच्छे सेगमेंट रखे हैं, पोस्ट का पोस्टमार्टम और इस तरह की गेम्स, तो ज्यादा मजे का होता जा रहा है, ये बहुत ही बस आई होप आप लोगों को हमारा ये फनी रिएक्शन गाइज पसंद आया होगा, और अगर आपको ये हमारा फनी रिएक्शन पसंद आया है तो मेक श्योर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारा रिएक्शन कितना पसंद आया है। एंड गाइज, और हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और इस बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो, हर रिएक्शन आपको मिलता रहे, आप हमारे रिएक्शन देखते रहे, सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल, थैंक्स एवरीवन, हम 1K के बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से है, आप लोगों की सब्सक्राइब करने की वजह से है। यस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, लाइकिंग अस एंड शेयरिंग अस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।